और इधर पुलिस वालों की टीम दिखाई दे रही है। देख लो भाई, हमने चूज किया है गैलेक्सी, अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। अब कुछ नहीं मिल रहा, अब सिर्फ फोन मिल रहा है। हेलो भाई, अच्छा सा बात है कि हमारे गांव की सड़क है, पर यहाँ और भी बुरे हाल है। चल ठीक है, तब फोन कर, मैं तभी पहुँच गए। ये हम पहुँच चुके हैं अमित के घर। हमारे पुलिस साक्षी, बहुत बहुत बधाई हो भाई। बहुत बढ़िया, ठीक है तू? मम्मी भी अभी फ्री हुई है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश कुमार और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव बदानी ताल से। तो चलिए जी, आपसे करने कुछ बात, तो करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, आज के जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है मेरे घर से और मेरे गाँव बदानी ताल से। और आज मेरी तैयारी है भाई मार्केट जाने की, मेरा कुछ बहुत जरूरी काम है तो मैं आज मार्केट जा रहा हूँ। देख लो भाई, हमने अलमारी भी इधर सेट कर दी है। चल ठीक था। तो चलिए जी, अभी हम रोड पे पहुँच चुके हैं। मेरे साथ है दलवीर चाचा, बाकी हम हर्ष भाई का इंतजार कर रहे हैं भाई। मैं गार्ड पर तक इनके साथ जाऊंगा और गार्ड पर मेरा इंतजार अजय कर रहा है। तो चलिए जी, अभी हम गार्ड पर पहुंच चुके हैं। इधर है अजय, बाकी इधर ये तेल भरा रहे हैं, मैं यहाँ से जाऊंगा इसके साथ, चलते हैं। तो चलिए भाई, हम निकल चुके हैं, बाकी वो तो आते रहेंगे। चलिए जी, अभी हम पहुंच चुके हैं मयाली मार्केट में और हमें यहाँ ज्यादा नहीं रुकना है, हम निकलते हैं भाई। और इधर पुलिस वालों की टीम दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों। कौन है? हैं? बाकी भाई, जो अभी आपने टीम देखी है वो थी IDPP वालों की। पता नहीं क्या हो रहा है आज मयाली में, नहीं होगा पता। तो चलिए जी, अभी हम किलवाड़ा में पहुंच चुके हैं और मुझे बहुत भयंकर वाली भूख लग गई थी भाई। भूख के कारण मेरी बहुत तबीयत खराब होती है। पर ये देख लो भाई, हमारा नाश्ता भी आ गया है। नाश्ते में 8 पराठे हैं, मस्त करके दोनों पराठे खाएंगे। और लोकेशन दिखाता हूँ मैं, काफी प्यारी लोकेशन है भाई। हमारा टेबल सजा रखा है, बाकी सामने देख लो आप कितनी अच्छी लोकेशन है। ऊपर पहाड़ और नीचे नदी। तो चलिए जी, अभी हम तिलवाड़ा से सीधे पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग हम पहुंच चुके हैं जीत इलेक्ट्रॉनिक में, क्योंकि हमने यहाँ से फौजी भाई के लिए फोन लेना है। तो देखते हैं हम कौन सा फोन चूज करते हैं आज। तो भाई, ये है जीत भाई की दुकान। और बाकी मैंने काफी पहले भी लिया है यहाँ से फोन, वो देवीस के लिए लिया था, और फिर एक बार और आ गए हम यहाँ पे फोन लेने। तो चलिए जी, हमारे पास ऑप्शन काफी है, हम लेंगे भाई सैमसंग की सीरीज। तो देखते हैं कौन सा चूज करता है भाई। इधर दे दे भाई, ये देख लो भाई, हमने चूज किया है गैलेक्सी S23 FE। ये हमने काफी रिसर्च किया यूट्यूब पे, ऑनलाइन सर्च किया, तो काफी अच्छा रिजल्ट है इसका। हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे अब। हाँ तो माय गॉड, ये देख लो भाई, ये है भाई का नया फोन। फोन एकदम मतलब पकड़ने में ऐसा लग रहा है जैसे कि आईफोन होगा, क्योंकि इसका साइड का मटेरियल सेम है जैसे आईफोन का रहता है, साइज सेम है। और काफी अच्छा और काफी मस्त फोन है भाई। और बाकी भाई ये देख लो, ये फोन का कवर है, और हमें इस कवर पर सिर्फ फोन ही मिला और कुछ नहीं मिला। इस पे कुछ हो सकता है, खुलावन छोड़ दे वो कुछ। अच्छा, इस पे केबल है, ये देख लो भाई, इस पे केबल है। पहले क्या होता था, पहले कवर में 4 दल में मिलता था, एयरफोन में मिलते थे, अब कुछ नहीं मिल रहा, अब सिर्फ फोन मिल रहा है। हमें सुपर फास्ट चार्जर सैमसंग का, तो काफी अच्छी सीरीज निकली है सैमसंग की और लेटेस्ट वर्जन है भाई। धन्यवाद।
आपके लिए जिसको भी फोन चाहिए जरूर आना। बहुत अच्छे अच्छे स्कीम और बहुत बढ़िया बढ़िया फोन जो भी आपको चाहिए वही फोन मिल जाएंगे। तो चलिए जी हम चलते हैं। ठीक है भैया फिर मिलेंगे। ओके बाय। तो चलिए जी अभी हम पहुंच चुके हैं भाई तिलवाड़ा में और गर्मी से हालत खराब हो गई है और अब हम चलेंगे भाई सीधे सक्षम को खाना खाने। अभी हम पहुंच चुके हैं सक्षम के घर पर। हेलो भाई। हेलो भाई। बढ़िया। और इधर भाई चाची जी ने अंगूर ऑफर किए हैं। खाना तो अभी हमारे लिए बन रहा है तो तब तक हम अंगूर खाते हैं। चलिए भाई हमारा गरम गरम खाना भी आ गया है। खाने में आज चौंसा भात, इधर है आलू की सब्जी, इधर है दही। तो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद मिलते हैं आपको। चलिए भाई हमने खाना भी खा दिया है और मैं यहाँ से निकलता हूँ सीधे तेला के लिए। ये देख लो भाई हम तेला के लिए निकल चुके हैं और सड़क कितनी खराब है यहाँ। हम सोचते हैं कि हमारे गाँव की सड़क है पर यहाँ और भी बुरे हाल है। चलिए भाई हम पहुँच चुके हैं तेला और ये तो चला जाएगा तिलवाड़ा और मैं आज यही रुकूंगा। चल जा तू ठीक है। चल ठीक है तब फोन कर मैं तभी पहुंच रहे आराम से जा रहे। अरे आराम से जाता फोन। चलिए जी अभी मैं पहुंच चुका हूँ ग्राम तेला में और गांव तो ऊपर है तो मुझे लेने अभी यहाँ पर अमित आएगा तो तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। हाँ तो ये देख लो भाई बड़ी मुश्किल से भाग भाग के आ रहा है। ये क्या करना यार लेंटर का काम था पेट थोड़ा अंदर कर लेते हैं। और सब बढ़िया। बस यार क्या हाल है लोकेश भाई। बस ठीक हूँ तू बता तबे तू भी ठीक है। मस्त घूमने और ठीक है। बस यार पेट भार आ गया पड़ गया लेंटर। बस इसीलिए तू जान बुझ के लेट आया ना। तो आज इसका लेंटर पड़ा भाई तो देखते हैं आज क्या क्या काम किया इसने। ले चलेंगे ऊपर। वही तो हो। तो चलिए जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अमित के घर पर। इधर है भाई मामा जी। मामा जी जब फोन पे दिख रहे तब मतलब पहले आए तब गोरे दिख रहे थे अब थोड़ा काले हो गए। तीन काम दिन करे ज्यादा तो। इधर है भाई हमारे पुलिस साक्षी। हाँ भाई पानी पी लेते हैं सबसे पहले। चलिए जी अभी हमने चाय पानी भी पी लिया है और अभी मैं आ चुका हूँ भाई छत पर। देख लो भाई ये पड़ा आज अमित भाई का लेंटर। तो बहुत बहुत बधाई हो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। फैमिली का आप सभी के कारण लेंटर भी पड़ गया। बिल्कुल सभी ने बहुत सारी प्रार्थनाएं की दुआएं की। आज देखो भाई लेंटर पड़ गया है प्लास्टर हो गया जल्दी जल्दी। बस ये देखो भाई ये आजकल लगा था काम पर नहीं था। लेंटर के बाद थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। पहाड़ी लोग रेस्ट तो है नहीं पर मेहनत बहुत करते हैं यार। बिल्कुल पेट भर आ गया यार मेरा पेट अंदर मेहनत की जरूरत है। अंदर चला जाएगा। हेलो काना। काना को भाई सिर्फ फोन में देखा था आज सामने भी देख लिया। वो कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया ठीक है तू? हाँ। और तेरे पापा ठीक है? कब आए तेरे पापा? बुला। हथवीन में जाना पापा अब? हाँ। कब आ रहे? अब चल। तो चलिए जी अभी हम आ चुके हैं ऊपर सड़क में और इसके गांव की धूप भी चली गई भाई। पर एक बात तो है इसके गांव में उतना ठंडा नहीं है जितना कि मेरे गांव में पदानीताल। क्योंकि वहां तो ऐसा है थोड़ा भी अगर बारिश हो गई तो सीधे पहाड़ों में बर्फबारी शुरू। कहाँ है तुम्हारा घर? कहाँ है तुम्हारा घर? ये चलो भाई आज हम कान्हा के घर पे जाएंगे। चल तो चल तू आगे आगे चल। ये देख लो भाई हम पहुंच गए हैं अमित के मामा के घर में यानी कि कान्हा के घर में। वो कान्हा कौन है ये? कौन है ये? किसकी? तेरी बुली? क्या क्या है तेरी बुली का नाम? काव्या। काव्या अच्छा।
ये देख लो भाई, क्या है कान? वो बंदूक। कौन लाए तेरे लिए? पापा। दिखा दो। वाह यार, मुझे नहीं दे रहा। उड़ाऊंगा तो उसको। अपने भाई को उड़ा। नहीं, मेरे को नहीं। बाय बाय गाइस। ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर। तो चलिए भाई, अब हम निकल चुके हैं काना के घर से। चला जा भाई। रूम क्या आ रहे हैं? तो चलिए जी, अब चलते हैं अंदर और आंटी जी से मिलते हैं भाई। मम्मी भी अभी फ्री हुई है, क्योंकि सुबह से बहुत लगी है काम पे। अभी अभी फ्री हुई भाई। घर से घूमने चला गया था, मुझसे नहीं मिल पाया, मैं तो काम में बिजी थी। आंटी जी बहुत ओपनिंग करो यार लोकेश, छोटी सी बात, इतना बड़ा लड्डू का डब्बा, मिठाई का डब्बा है। मिठाई वो ले आया भाई। अब अपने खिला दो, मीठे से प्यार बढ़ता है। अच्छा जी, लोग आ जाओ भाई मिठाई खाने, लोकेश की खिलाएगी। खिलाते तभी तर रूंगी। चलिए दोस्तों, हमारा खाना भी हो गया है, बाकी इधर अमित सो रखा है और मेरा बिस्तर है भाई, ये देख लो। तो चलिए जी, इसी के साथ आज के ब्लॉग को करता हूँ मैं समाप्त। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, जय श्री राम।